सो हेलो मेरे भाई लोग, यार कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी बढ़िया रहना। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री फायर में आने वाले बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। जैसे कि हमारे इंक्यूबेटर में नेक्स्ट आप लोगों को M887 का स्किन देखने को मिलेगा, वो कैसा होने वाला है सब कुछ जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में गाइस हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, और साथ ही में गाइस आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि इमोट पार्टी हो गया, न्यू फेडेड व्हील हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा, वो क्या आने वाला है उसके अंदर आइटम, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग जो है कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट देख लेना। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, न्यू आ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और गाइस अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर देना गाइस, ठीक है ना? तो चलो गाइस बेटा वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी हम लोगों को एक न्यू इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना? जैसे कि आप सबको पता है कि इमोट पार्टी के अंदर से हम लोगों को बहुत सारे इमोट देखने को मिलता है, इस बार भी गाइस ऐसा ही कुछ होने वाला है, बहुत सारे न्यू इमोट्स उसके अंदर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो जो इमोट देखने को मिलेगा ना, वो भी गाइस आप लोगों को लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वो भी इमोट देख करके आप लोग बताओगे कि राजा भाई ये तुमने क्या दिखा दिया भाई, कब आने वाला है गेम के अंदर, भाई एक नंबर इमोट है। जैसे कि गाइस आप लोग पीछे देख ही सकते हो कि मतलब क्या ही बोले यार, ये इमोट बहुत खतरनाक लग रहा है, मतलब दिल टूट गया ऐसा इमोट आप लोग देख ही सकते हो, बहुत खतरनाक एनिमेशन है। आप लोगों को ये इमोट कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और भी इमोट्स है गाइस, ये दूसरा इमोट होने वाला है, आप लोग देख ही सकते हो कुछ ऐसे टाइप का एनिमेशन वगैरह, भाई एकदम खतरनाक लग रहा है दिखने में। ये तीसरा इमोट होने वाला है, तीसरा इमोट भी काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन जो फर्स्ट वाला इमोट है ना वो काफी ज्यादा मस्त लगा मेरे को। गाइस आप लोगों को ये तीनों इमोट में से कौन सा इमोट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तीन इमोट दिखाया ना मैंने आप लोगों को, ये तीन इमोट में से कोई भी दो इमोट या फिर एक इमोट ही आप लोगों को इमोट पार्टी के अंदर से देखने को मिलेगा, और उसके अंदर बाकी जो इमोट देखने को मिलेगा वो पहले जो आया था हमारे गेम के अंदर पुराना इमोट हम लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब लेजेंडरी इमोट ही देखने को मिलेगा। जैसे कि झंडा वाला हो गया जो इमोट है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है उसके अंदर रिटर्न पे, ये चीज हो सकता है, ठीक है ना? और गाइस इसका जो डेट निकल के आ रहा है ना, ये हो सकता है जनवरी मंथ पे हम लोगों को लास्ट वीक में हम लोगों को ये इवेंट देखने को मिल सकता है गेम के अंदर, ठीक है ना? सोच लो कि 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम लोगों को ये इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इस आप लोग ये इवेंट को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलो गाइस बढ़ते अपने अगले अपडेट्स की तरफ, और गाइस अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फेडेड व्हील के बारे में। सो गाइस आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे गेम के अंदर 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये वाला फेडेड व्हील हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को स्काई विंग का स्क्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन गाइस ये 3 जनवरी से हम लोग को और एक फेडेड व्हील देखने को मिलेगा, जो कि गाइस काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है यार। सो गाइस जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हो, ये जो एनिमेशन हम लोग देख रहे हो ना, बाहर के सारे सर्वर पे ये एनिमेशन आ चुका है गाइस, ठीक है ना? सिर्फ हमारे सर्वर पे ही बाकी है। तो भाई लीक निकल के ये आ रहा है कि हमारे गेम के अंदर जो है 3 जनवरी को हम लोग को ये वाला फेडेड व्हील देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को ये वाला एनिमेशन देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है ना? और गाइस ये जो एनिमेशन है ना, ये भी काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, ये भी फेडेड व्हील पे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से आप लोग को 1000 डायमंड के अंदर ही जो ये एनिमेशन आराम से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है ना? सो गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला एनिमेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, आप लोग इसको निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है? तो चलो गाइस बढ़ते अपने अगले अपडेट्स की तरफ, जो कि गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस इसमें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को M887 का स्किन के बारे में, जो कि गाइस काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। हां गाइस आप लोगों ने सही सुना है यार, हम लोगों को गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू M887 का स्किन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना? वो कैसा होने वाला है चलो गाइस देख लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हो कि हमारा पहला जो गन स्किन होने वाला है वो कुछ ऐसा टाइप का होने वाला है, गोल्डन कलर के ऊपर के, और देख ही सकते हो कि इसका एनिमेशन वगैरह कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, और इसका एनिमेशन वगैरह देख के आप समझ ही सकते हो कि इसका एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि गाइस इसका जो एट्रीब्यूट है ना वो ये है कि डैमेज आप लोगों को सिंगल देखने को मिलेगा, और रेट ऑफ फायर जो है वो डबल देखने को मिलेगा, और मूवमेंट स्पीड जो है वो माइनस देखने को मिलेगा, मतलब समझ ही सकते हो बहुत ही ज्यादा ओपी गन होने वाला है ये भी स्किन गाइस। और गाइस ये जो स्किन है ना, ये हम लोग को सबसे टॉप में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा
एक्साइटमेंट इसके पीछे ही लगने वाला है। इसके एनिमेशन भी काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार, आप लोग देख ही सकते हो, फुल स्क्रीन मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, तो भाई देख ही सकते हो इसका लुक वगैरह क्या मस्त लग रहा है यार, एक नंबर स्किन होने वाला है। ये भी हमारे गेम के अंदर आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ये टॉप में रहने वाला है यार, मतलब कि गाइस इसका पीछे बहुत ज्यादा डायमंड लगने वाला है। और गाइस सेकंड नंबर पे जो स्किन हम लोगों को देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो ये जो कलर है ना बहुत ज्यादा पसंद है ये कलर मेरे को, देख ही सकते हो आप लोग क्या मस्त लग रहा है दिखने में। और इसका जो एट्रीब्यूट है ना वो ये है कि सिंगल डैमेज देखने को मिलेगा और हो सकते है इसके अंदर आप लोग को रेंज डबल देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है ना, ये कुछ और लैंग्वेज में लिखा है, तो गाइस ये हो सकता है आप लोग को रेंज ही डबल देखने को मिल सकता है। और आप लोग समझ ही सकते हो कि रेंज डबल के साथ हमारे M8T37 का जो स्किन है वो कैसा चलने वाला है, आप लोग समझ ही सकते हो, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और गाइस थर्ड नंबर पे जो स्किन हम लोगों को देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होने वाला है, इसका जो एट्रीब्यूट है वो ये है कि सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलेगा और डबल एक्यूरेसी देखने को मिलेगा, जो कि गाइस काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है यार, आप लोग समझ ही सकते हो कि एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा चाहिए हम लोगों को M8T37 का स्किन के ऊपर। आप लोग देख ही सकते हो इसका लुक भी काफी ज्यादा बढ़िया है, येलो कलर के ऊपर एनिमेशन भी आप लोगों को देख ही सकते हो, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है ये भी देखने में, ठीक है ना। गाइस आप लोगों के पास अगर M8T37 का स्किन नहीं है ना तो भाई आप लोगों के पास बहुत ज्यादा ओपी मौका आने वाला है, आप लोग कोई एक निकाल लेना, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ओपी स्किन है, इसका एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा मस्त है। और गाइस लास्ट में जो स्किन रहेगा वो कुछ इस टाइप के ऊपर होने वाला है, जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हो कि इस पे आप लोगों को आर्मर पेनिट्रेशन वो डबल देखने को मिलेगा और एक्यूरेसी जो है वो माइनस देखने को मिलेगा, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है ना। आप लोगों के पास अगर स्किन नहीं है तो भाई आप लोग ये भी चला सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया ही चलने वाला है ये भी स्किन, ठीक है ना। और गाइस अभी बात करते हैं ये आप लोग को कौन सा इवेंट में देखने को मिलेगा, सो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये आप लोग को कोई वेव इवेंट पे देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि हमारे गेम के अंदर जो इनक्यूबेटर चल रहा है वो 52 डेज 50 के ऊपर डेज अभी भी बाकी है गाइस, ठीक है ना। और गाइस ये जो इनक्यूबेटर है ये आप लोग को जनवरी मंथ पे ही आप लोग को देखने को मिल सकता है या फिर फरवरी मंथ पे आप लोग को फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है, ये वाला जो स्किन है ये आप लोग को कोई वेव इवेंट पे देखने को मिल सकता है, चारों के चारों गन स्किन, ठीक है गाइस। आप लोग समझ ही सकते हो कि जब हमारे गेम के अंदर वेव इवेंट पे जब ये आएगा ना तो कितना ज्यादा डायमंड लगने वाला है, तो भाई मैं आप लोग को यही चीज बोलूंगा, आप लोग के पास अगर डायमंड होता है तो भाई इसके अंदर पैसे लगाना, नहीं तो मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। गेम ऐसे ही खेलो, मजे के लिए खेलो, तो भाई पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसके पीछे, मैं यही चीज बोलता हूँ हर बार, ठीक है। चलो गाइस बढ़ते अपना फाइनल अपडेट्स की तरफ और गाइस अभी बात करते हैं हमारे गेम के अंदर कौन सा नेक्स्ट वेपन रॉयल आने वाला है। जैसे कि गाइस आप लोग पीछे देख ही सकते हो कि हमारे गेम के अंदर किंग फिशर का वेपन रॉयल देखने को मिलेगा नेक्स्ट में, और गाइस इसके अंदर एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा मस्त ही है, सिंगल डैमेज देखने को मिलेगा और गाइस मैगजीन जो है वो डबल देखने को मिलेगा, उतना भी खास नहीं है, मतलब नॉर्मल, मतलब कि गाइस हमारे गेम के अंदर अभी तक कोई किंग फिशर का जो गन स्किन है वो नहीं आया है, ठीक है ना, ये पहला गन स्किन होने वाला है और हो सकता है नेक्स्ट वेपन रॉयल पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। गाइस ये कंफर्म न्यूज नहीं है, ये थोड़ा बहुत लीक निकल के आया है, मैंने आप लोगों को बता दिया गाइस, ठीक है ना, जब कंफर्म न्यूज आ जाएगा मैंने आप लोगों को कंफर्म न्यूज कंफर्म के साथ आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप लोगों को पता ही कि राजा भाई सब कुछ सही बोलता है, जो जो बताता है वो गेम के अंदर जरूर आता है। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं है की हो तो, ठीक है ना। चलो गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, जोर से बोलो राधे राधे।